Hey gamers, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आपकी गेमिंग। होपफुली बढ़िया चल रही होगी। हमारे पास यहाँ पे आ गया है मोटोरोला का नया स्मार्टफोन जो कि है मोटोरोला एज 30 प्रो। अभी एक फ्लैगशिप डिवाइस है कंपनी की तरफ से, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में अवेलेबल रहेगा और अराउंड 45,000 का आप इसको ले सकते हैं इनिशियल जो आपके पास कैशबैक और बैंक डिस्काउंट्स चल रहे हैं उस सबको मिलाकर। यहाँ पे अगर मैं स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है स्नैपड्रैगन 8 जेन 1 मोबाइल चिपसेट, 8GB की LPDDR5 RAM और साथ ही में आपको मिल जाती है 128GB की UFS 3.1 स्टोरेज। डिस्प्ले की बात करें तो इसका डिस्प्ले काफी अच्छा है क्योंकि यहाँ पे आपको 6.7 इंच का QLED डिस्प्ले तो मिल ही रहा है जो कि 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। पूरे टेस्ट के लिए हम इसको 144 हर्ट्ज पे ही सेट करके रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है 576 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट, तो इसका टच डिटेक्शन बहुत ज्यादा फास्ट रहेगा और वन ऑफ द बेस्ट कहूंगा अगर गेमिंग कैटेगरी में कोई भी स्मार्टफोन उठा ले तो 576 शायद सबसे ज्यादा टच सैम्पलिंग रेट है अभी मार्केट में जितने भी डिवाइसेस अवेलेबल हैं। 4800 mAh बैटरी के साथ ही आता है और यहाँ पे हम करने वाले हैं इसका BGMI गेमिंग टेस्ट विद FPS, जैसे हम अपने अक्षय गेमिंग स्टाइल में करते हैं। तो यहाँ पे आपको BGMI दिखाएंगे, सारी ग्राफिक सेटिंग्स जो ऑफर करता है वो शो करेंगे, कॉन्स्टेंट FPS ऑन रहेगा, हीटिंग टेस्ट करेंगे इसका और देखते हैं कि कैसे ये डिवाइस परफॉर्म करता है जब बात आती है गेमिंग की और क्या ये बाकी डिवाइसेस को जो टॉप ऑफ द लाइन डिवाइसेस हैं जो फ्लैगशिप डिवाइसेस बाकी कंपनीज के अवेलेबल है मार्केट में उनको टक्कर दे पाता है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अपना BGMI गेमिंग टेस्ट मोटोरोला एज 30 प्रो स्मार्टफोन। तो गाइस यहाँ पे हम आ गए हैं अपने फर्स्ट TDM सेटअप में और यहाँ पे सबसे पहले मैं ग्राफिक सेटिंग्स की बात कर लेता हूँ। तो ग्राफिक्स में आपको स्मूथ में एक्सट्रीम मिलता है अभी और 144 हर्ट्ज सेट है इसका रिफ्रेश रेट, मैं याद दिला दूँ आपको। तो अभी 90 FPS बाय डिफॉल्ट तो नहीं मिल रहा, मे बी लेटर आए अपडेट के साथ। बैलेंस में भी एक्सट्रीम, HD में भी एक्सट्रीम, HDR में भी एक्सट्रीम। तो ये गेम पे HDR और स्मूथ दोनों में बीच बीच में चेंज करता रहूंगा, मैं आपको दोनों दिखा दूंगा और कितना हद तक ये 60 FPS मेंटेन कर पाता है। अल्ट्रा HD आपको मिलता है पर उसमें 40 FPS रहते हैं, तो बेसिकली स्मूथ एक्सट्रीम और HDR एक्सट्रीम में ये पूरा गेम प्ले रहने वाला है। अगर मैं एडवांस कंट्रोल्स में जाऊँ तो ऑब्वियसली आपको जायरोस्कोप तो मिल ही जाएगा, पर कितना स्मूथ है, एकदम स्मूथ, जो आप एकदम परफेक्ट जायरो एक्सपेक्ट करते हैं किसी भी स्मार्टफोन से वैसा ही है। कोई जर्क नहीं, कोई डिले नहीं, एकदम बटरी स्मूथ जायरो है इसका। और रिकॉल कंट्रोल या कुछ भी आप करना चाहें तो उससे कर सकते हैं, दोबारा से फायर करते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल सही और अच्छा इसका जायरो है। थोड़ा गेम प्ले देखते हैं, लेट्स सी कैसे ये परफॉर्म करता है हमारे BGMI गेमिंग टेस्ट में। The match is over, and the blue team is in the lead. Dead! Oh boy, kya hua? Marked a location. तो TDM में ना मस्त 60 आ रहा है, थोड़े क्लासिक मैचेस खेलते हैं इसके बाद, लेट्स सी क्लासिक में कैसा परफॉर्म करता है। TDM में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं दिख रही भाई, फिर से उसी बंदे ने फिर से वहीं पे फिर से ग्रेनेड से मारा। तो गाइस अब हम खेल रहे हैं यहाँ पे HDR एक्सट्रीम में, स्मूथ एक्सट्रीम में आपने देख लिया TDM में कोई दिक्कत नहीं आई, 60 चिपक के दे रहा था। यहाँ पे ग्राफिक्स देखो क्या मस्त हो जाते हैं HDR में, तो जिनको HDR पसंद है उनको HDR पसंद है, मेरे को तो पर्सनली स्मूथ ज़्यादा अच्छा लगता है, खेलने की प्रेफरेंस है। यहाँ पे एनिमी डिटेक्शन थोड़ा टफ हो जाता है। अगर आप स्मूथ की जगह HDR में खेलना चाहो तो वो भी खेल सकते हैं। ओ कुछ भी हो गया, निकलो 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 बे यार, पर 60 FPS देखो क्या मस्त चिपक के दे रहा है TDM में, इवन इन HDR एक्सट्रीम। प्रोसेसर नो डाउट बहुत केपेबल है ये स्नैपड्रैगन 8 सीरीज जनरल। तो गैस यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट 1 hour 10 minutes हो गए, मतलब 1 hour से ऊपर हो गया। तो यहाँ पे हम टेम्परेचर्स की बात करें तो आगे की साइड आपको दिख जाएगा मैक्सिमम टेम्परेचर्स 47.9 जाते हुए दिख रहे हैं डिस्प्ले के अपर रीजन में, एंड बैक साइड में बात करें
तो बैक साइड में आपको दिख जाएगा 46 डिग्रीज मैक्सिमम जा रहा है कैमरे के मॉड्यूल के इस एरिया में। भाई हग रहा हूँ बस, नहीं कोई तो मारे। टीममेट को खा गए। 2v4 क्यों लग रहा है मेरे को, पर गेम मस्त चल रहा है यार, मजा आ रहा है, स्मूथ एकदम। 2 घंटे से ऊपर हो गए मैं खेलते हुए। ओ भाई यार, मेरे को क्रेट लगा बंदा। और अभी तो काफी स्मूथ चल रहा है गेम, 60 पे ही मेंटेन कर रखा है इसने। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 11 स्क्वाड जा रहे हैं एज प्रिडिक्टेड। बस अड़ होगी शुरू। पर फ्रेम्स देखो आप, अभी भी इतनी भसड़ में भी इसने काफी हद तक 60 मेंटेन कर लिया वापस। आराम से भाई, क्या 60 दे रहा भाई, पावरफुल तो है जैसे यार। साउंड नहीं आ रही फुटस्टेप्स की। तो यहाँ पे हम SDR में कूदे हैं, SDR एक्सट्रीम में, और आपको देखेगा फ्रेम डिप्स अगर मैं कंपेयर करूँ स्मूथ से तो ऑब्वियसली थोड़े ज़्यादा थे, पर अब आपको इस फटाक से 60 आ गया। लैंड करते टाइम देखते हैं कैसा रहता है, 60 मेंटेन कर लिया तो भाई कोई दिक्कत नहीं आने वाली इस डिवाइस में आपको। एंड 60 मेंटेन कर रखा है इसने, देखो स्क्वाड जी स्क्वाड है भाई, ऐसा नहीं है कि बंदे नहीं आ रहे। Yeah.
किल पे किल दाप लिया मैंने तो यार भाई 60 वापस हो गया फटाक से मस्त परफॉर्मेंस वॉच आउट स्मूथ एक्सट्रीम हो एसजेड एक्सट्रीम हो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो गाइस यहाँ पे हमें हो गए हैं 2 hours 25 minutes ऊपर ऑलमोस्ट 2 hours 30 minutes हो गए हैं और उसके बाद भी जो टेम्परेचर्स हैं आप देख सकते हो यहाँ पे 49.3 49.4 जा रहे हैं 50 से जस्ट थोड़ा सा नीचे हैं 49 चले गए हैं टेम्परेचर्स 2.5 घंटे हो गए हैं पर। एंड बैक साइड में टेम्परेचर्स की बात करूँ तो बैक साइड में मैक्सिमम टेम्परेचर्स आपको 47 degrees तक टच होते हुए दिख जाएंगे इस रीजन में। यहाँ पे एक और चीज़ है जो मैं फटाफट से बात करना चाहूँगा पहले कंक्लूजन से पहले, तो यहाँ पे आपको मोटोरोला का गेम टाइम मिल जाता है जिसमें आपको काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग ऑप्शंस मिल जाते हैं। हाई परफॉर्मेंस पे हमने रखा है इसको पूरे टेस्ट के लिए और उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यहाँ पे आपके पास स्क्रीन रिकॉर्ड ऑप्शन रहता है। अब इंटरेस्टिंग क्यों है मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं माइक्रोफोन सिस्टम साउंड एंड माइक एंड सिस्टम साउंड। बहुत कम डिवाइसेज में आपको ये ऑप्शन मिलता है कि आप माइक और सिस्टम साउंड एक साथ रिकॉर्ड कर सके, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली डिवाइस से रिकॉर्ड करके सीधा यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड कर सकते हैं। इसमें आप फ्रंट कैमरा का भी यूज कर सकते हैं अगर आपको वीडियो रिकॉर्ड करनी है अपने फ्रंट कैमरा से। तो ओवरऑल हमारा गेमिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा मोटोरोला के नए स्मार्टफोन एज 30 प्रो पर, तो यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस इस डिवाइस पे देखने को मिला। 90 FPS अभी इसमें अनेबल नहीं है क्योंकि जो नए चिपसेट होते हैं उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, तो होपफुली 90 FPS ऑप्शन इसमें बाय डिफॉल्ट थोड़े टाइम में आपको देखने को मिल जाएगा। अभी के लिए जो बेस्ट सेटिंग्स है इसमें वो है स्मूथ एक्सट्रीम या आप कह सकते हैं HDR एक्सट्रीम डिपेंडिंग अपॉन योर प्रेफरेंसेस। मुझे स्मूथ एक्सट्रीम पसंद है पर HDR एक्सट्रीम में भी खेल सकते हैं। यहाँ पे जायरोस्कोप में मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, TDM तो एकदम मक्खन चल रहा था चाहे वो स्मूथ एक्सट्रीम हो या HDR एक्सट्रीम हो। HDR एक्सट्रीम स्मूथ एक्सट्रीम दोनों ही मोड आपके एंगल में भी बहुत सही मेंटेन कर रहे थे 60 FPS। जब बात आती है बूट कैम की तो स्मूथ एक्सट्रीम में तो बहुत हद तक 60 FPS मेंटेन किया, थोड़े डिप्स गए थे जब हम 10-15 स्पॉट्स के साथ उतरे थे, पर जब HDR एक्सट्रीम हमने किया तो थोड़े फ्रेम ड्रॉप्स बढ़ जाते हैं क्योंकि हम यहाँ पे बिल्कुल एकदम पुश कर रहे हैं स्मार्टफोन को, पर स्टिल मैं ये बोलूंगा कि एकदम फ्लैगशिप लेवल परफॉर्मेंस ही आपको दे देता है 60 FPS, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मेंटेन कर पाता है। टेम्परेचर्स की जब बात करते हैं तो 1-1.5 घंटे की गेमिंग के बाद हमें 47-48 तक जाते हुए दिखे। इवन आफ्टर 2.5 घंटे की गेमिंग जो मैक्सिमम टेम्परेचर जाते हुए दिखे वो मुझे 49 समथिंग तक जाते हुए दिखे। 50 एक बार भी टच नहीं हुआ है, वो क्रॉस नहीं हुआ। तो हाँ थोड़ा हीट जरूर होता है पर अच्छी चीज़ ये है कि हीटिंग के बावजूद यहाँ पे थर्मल थ्रॉटलिंग नहीं है, तो ओवरऑल गेमिंग एक्सपीरियंस आपका यहाँ पे खराब नहीं होता। ऑल इन ऑल गेमिंग परस्पेक्टिव से बोलूँ तो काफ़ी सही लगा मुझे ये स्मार्टफोन। अगर आप इसको लेने का सोच रहे थे और सोच रहे थे कि गेम खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे, तो गेमिंग ये अच्छे से हैंडल कर लेता है, जायरोस्कोप इसका अच्छा है, टच रिस्पॉन्स इसका अच्छा है, डिस्प्ले अच्छा है और परफॉर्मेंस तो एकदम टॉप नॉच इसकी है। हीटिंग हल्का बहुत ये थोड़ा बहुत होगा, गर्मियों में शायद थोड़ा और ज़्यादा हो तो गर्मियों में अलग से एक टेस्ट करने की कोशिश करेंगे, पर अभी के लिए मुझे इस डिवाइस में ऐसा कोई इशू नहीं लगा और गेमिंग परस्पेक्टिव से मुझे एक अच्छा डिवाइस लगा मोटोरोला की तरफ से। आप बताइए आपको कैसा लगा मोटो का नया स्मार्टफोन मोटो एज 30 प्रो। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है आपसे अगली बार, तब तक के लिए कीप गेमिंग एंड रिमेंबर गेमिंग इज नॉट अ क्राइम।